की जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय पंडोखर धाम में हूँ जहाँ पर ऐसे मरीज भी आते हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं। ऐसे एक शख्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों में, इनको कैंसर हो गया है। ये आपके कौन है? बड़े भैया हैं। अच्छा, इनके बड़े भैया को कैंसर हो गया है, तो कहाँ पे इलाज चल रहा है? पहले भैया का इलाज अपने भोपाल लाल घाटी जवाहर कैंसर हॉस्पिटल है उसमें चला, फिर ऑपरेशन वगैरह कराया अपन ने वहाँ पे, ऑपरेशन से आराम नहीं हुआ, तबीयत बिगड़ती गई समय के साथ साथ, फिर लेक सिटी ले गए, वहाँ पे भी डॉक्टर लोगों ने बोल दिया कि घर ले जाओ आप, फिर यहाँ का पता चला, वीडियो देखी हमने यहाँ की, तो यहाँ ले आए दरबार में। कैंसर हो गया था इनको? दो साल के लगभग हो गए। कैंसर की बीमारी है। ऑक्सीजन की कमी? हाँ, हो जाती है ऑक्सीजन की कमी कभी कभी। ऑक्सीजन भोपाल से लेकर चल रहा है जी? तो अभी गुरुजी से मुलाकात हुई कि नहीं? अभी नहीं हुई। ऐसा बताया हुआ किसी ने पंडोखर धाम में कैंसर मरीज ठीक हो रहा है? जी, वीडियो देखी थी हमने, और पिछले अमावस्या को आए थे तो गुरुदेव ने लाइव प्रोग्राम में बोला था कि अगले गुरुवार से अपन हाँ कैंसर के मरीजों को देखेंगे गुरुवार के रोज खास तौर पर, तो इसलिए यहाँ ले आए। तो आप भोपाल से कब जब निकले थे? कल निकले हैं रात में। कल आप निकले हैं तो आप पंडोखर धाम पहुँच गए हैं आप? अच्छा, आपको भरोसा है ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? प्रदीप लोधी। प्रदीप लोधी कहाँ के रहने वाले? रायसेन ग्राम चरौली। रायसेन मध्य प्रदेश MP से आए हुए हैं। देखते हैं कैंसर जैसे लोगों के इलाज यहाँ पर ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस पर आपकी जनता न्यूज की लगातार कवरेज जारी है। फिलहाल कैंसर रोगी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। नमस्कार। माइक लगा कर, माइक से बात करो। चिल्लाऊंगा मैं, मारूंगा। भयासक्त नहीं तो मत रखो जी। नहीं नहीं, कोई हाथ नहीं रहा है। वाह, कोई माइक ताकत नहीं जो इसको तुम्हारे सच्चे हो इसलिए नहीं तो नहीं था। ये बात नहीं बोला करके, माइक तो बहुत सारे दुनिया में जी। नहीं, कोई प्रस्ताव में इसको नहीं बोल सकता। मैं कोई ऐसी वसी रोड पे चल नहीं सकती। नहीं बात करिए, भगवान तो है माइक का। मैं भी भेजा है इसको। कोई बात बोले वक्त की आत्मा के सामने आए ना जी। धन्यवाद। बच्चे को मैं कहता हूँ आप अच्छी शक्ति हैं, आपने बच्चे बहुत अच्छा लिया। मुझे आपसे ज़्यादा कहने तो नहीं है लेकिन सुनना ज़्यादा, इस बच्चे से कौन सी चूक हुई, इस बेटी से भी कौन सी चूक हुई, ऐसे इसके परिवार से भी कौन सी चूक हुई है जिस कारण से आप इसको परेशान कर रहे हैं या आप अच्छा नहीं कर पा रहे, कारण क्या है? मंदिर बना दिया है, एक साल बना दिया है।
दो बच्चे में निकली, अब थोड़ा पकी भी है ना, तो लगता है कि जरूर से मिल रहा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किस बच्चे ने नहीं लिया जी, आप कुश्ती कर रहे हो। आप भाई मुझे आज तक नहीं समझ नहीं आया कि पुरुष के अंदर स्त्री कैसे आएगी। आपकी जो शक्ति है, आप जिस शक्ति से विधान से आ रही हो, वो तो आप देवी है, नारी नहीं। कोई बात शांति से सुन, पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ या उसमें डिफेक्ट नहीं कोई दिखता या कितना दिन लग रहा है भाई? बोलिए दूसरा पॉइंट, आपकी माँ कालिका का दरबार बार क्रमांक 1/3 यानी कि 1 नंबर बार्ड में आपका पता का लहराएगा। शीघ्र शेष जिंदगी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सूक्ष्म उपाय बताऊंगा बिगड़ खर्च वाला, मैं मेरे मन की बात है। आज तक जिंदगी में ऐसा वही जाना मैं सारा जो बात घूमने जाता हूँ, साल में 2 टूर करता हूँ, दाल में 50 से 70 हज़ार खर्च करता हूँ। हमें खर्च करने पैसा नहीं है, कुछ तो होता है जिसमें खर्च का हो। लेकिन जाओ आप एक पात्र में 1.25 रुपये की शक्कर डाल के 11 दिन पीपल के वृक्ष पर चढ़े, माँ भगवती के पीछे चढ़े, और ये शमशान काली नहीं है, ये काली दक्षिणमुखी काली नहीं है, ये काली उत्तर मुखी काली है। कौन सी मुख काली है? भगवान शंकर की काली है, भगवान शंकर की काली है, भगवान शंकर की काली है, काली के शंकर नहीं है, ये तो बदलाव हो जाएगा। बोले शंकर शिव सदाशिव, तो ये उत्तर मुखी महाकाली है, दक्षिण मुखी विनाशक नहीं है, ये रक्षक है। तो इनके शायद नहीं है, बट भैरव कृपा करेंगे आशीर्वाद, ताकि 99% मनोरथ पूर्ण होंगे। आपके पिताजी कृष्णनारायण, कृष्णनारायण मान लो, वैसे मैंने कृतिनारायण लिखा था स्क्रीन पर, बताओ कृष्णनारायण लिखा है कृष्णा लिखा ऐसा मास की जीव निकल जाता है तो निकल जाता है, लेकिन गुरु जी चुभने का मौका लिए थे, आगे चुपा देते तो पीछे बना देते। हनुमान जी कृपा करेंगे, मेरा आशीर्वाद है, माँ भगवती सहायक का आशीर्वाद। जय श्री राम। जाओ पूछ सकते हो, करो और एक आपके आसन नीचे पकड़ जाए, आपके जाइए, ये अपनी पूजा घर रखना पाने के लिए, पूजा घर रख लीजिए। खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा, जब भी खाइए अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतरा बीसलपुरा गांव पंडोखर धाम। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।